युवा ग्रुप वाड्यू की बात करें तो आप भी तैयार रहे, कोरिक टीम के कप्तान को मैं दरखास्त करना चाहता हूं आप भी तैयार रहे, बहुत इंटरेस्ट से मुकाबला इसके बाद में आने वाला है। युवा ग्रुप वाड्यू संघाचा कॅप्टन, चला आपल्याला विनंती आपण समर्जन कक्षाकडे यायचं आहे, त्याचबरोबर कोरिक टीमचा कॅप्टन आपल्याला विनंती आपण देखील समर्जन कक्षाकडे यायचं आहे। दो विकेट के नुकसान पर फिलहाल रन संख्या अगर देखे तो ज्यादा कुछ बल्लेबाजों ने नहीं किया है, बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बड़ा विकेट बिल्कुल मिला है गेंदबाज साहिर के लिए, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रणय है। बल्लेबाजों को अपना खाता खोलना है तभी जाकर वो रन बनेंगे, स्ट्राइक रोटेट करना होगा। ठीक है, तो मैं आप 8-10 रन बनाते हैं तो एक बार फिर दबाव गेंदबाज की तरफ जाता है। अच्छी गेंद, जोरदार अपील, उंगली खड़ी होती हुई, चाहे जिंदगी का मैदान या क्रिकेट का मैदान, खराब काम करते हैं ना तो एक बार फिर उंगली खड़ी हो जाती है, वही कहानी है। तीसरे बल्लेबाज जो है बैक टू द पैवेलियन जा रहे हैं विकेट के सामने पाते हुए, और अब एक बार फिर हैट्रिक जो कि पूरी हुई है, 3 विकेट लगातार, पहले क्लीन बोर्ड कर दिया, उसके बाद में लॉन्ग ऑन पर शानदार कैच विशाल का, अब ये विकेट का, इसकी देखिए इस विकेट के लिए किसी की और जो कि खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, खोद के निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद पैरों को लगी, बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, सुपर्ब बॉलिंग, इस तरह से देखे इतिहास बनाने का मौका था। कीर्तिमान के दहलीज पर थे तो उसी वक्त गेंद को बस्टम के अंदर फिनिश किया, क्या स्टार्ट किया गेंदबाज साहिल ने। प्रमोद, जिस तरह से मुकाबला चला, इस मुकाबले में गेंदबाजों का बोलबाला सीमेंट का विकेट है, बारिश नहीं है, बारिश होती तो मैं समझ सकता कि गेंदबाजों का बोलबाला हो सकता था, लेकिन बल्लेबाजों के पहने चंद्रे बल्ला भी खामोश है। नक्की ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केलेली आहे सुपर्ब साहिल केनेने, मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकतात जे अचूक लेंथ अँड लाईन, जे ब्रह्मास्त्र आहे टेनिस क्रिकेट विश्व असो किंवा रबर क्रिकेट विश्व असो, परंतु रबर चेंडूमध्ये आता मात्र जर आपण पाहिलं तर फलंदाजांना पूर्णपणे जकडवून ठेवायचं असेल तर तुम्हाला अशा प्रकारची उत्क्रांती करावी लागणार आहे, आणि ते साहिल केनेने या ठिकाणी दर्शवलं गेलं आहे। अप्रतिम मॅग्निफिसंट बॉलिंग, ये भी चले गे, बल्ले को जरूर लगी पहली बार लेकिन उसके बाद में स्टंप की तरफ, मतलब बल्ले का आधुनिक किनारा, और उसके बाद में भाग्य का सहारा नहीं मिला, गेंद स्टंप की तरफ टकराती हुई। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, पूरी तरह से इस पर बल्लेबाज हक्का बक्का है और कमाल का प्रदर्शन कर रहे गेंदबाज साहिल। सुपर सुपर बॉलिंग या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते। विनायक किने वेलकम, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत, विराथांवरून खास करून या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत करीत आहोत। एक चांगले मंडप डेकोरेटर सुद्धा आहेत आणि एक चांगले खेळाडू आणि चांगलं व्यक्तिमत्व। तर यावेळेला साहिल किनीचं मी कौतुक करेन, ज्या अनुषंगाने त्याने गोलंदाजी केलेली आहे, अप्रतिम अचूक टप्प्यावर भेदक मारा, आपल्या बोटांतील जादू, सहजता, सुंदरता काय असते आणि स्वतः ॲज अ कॅप्टन कसा असावा, कर्णधार कसा असावा हे त्याला मात्र ठाऊक आहे।